हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। सीएमई इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का है और प्रोसेस कॉस्टिंग का है। चलिए, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, प्रोडक्ट एक्स इज ऑब्टेन आफ्टर इट पासेस थ्रू द थ्री डिस्टिंक्ट प्रोसेस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। मटेरियल आपके टोटल इतने, डायरेक्ट वेजेस टोटल इतना है, प्रोडक्शन ओवरहेड आपका इतना है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड यदि 18,000 है और यहाँ पे 1,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड प्रोसेस फर्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस। इसको देखिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। इसका मतलब ये है कि आपका, अगर मान लिया जाए 4,000 यहाँ पे आपका प्रोसेस है, 4,000 यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड 4,000 यहाँ पे भी होगा। अगर 6,000 यहाँ पे भी, तो 100% इसका कितना होगा, 6,000 यहाँ पे भी होगा। 8,000 यहाँ पे भी है तो 8,000 यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो दिस इज 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पे यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्रोसेस अकाउंट बनाने का, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट, प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट, हम फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये है, ठीक है, हो गया हमारे पास। अब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर, यहां पे लिखेंगे यूनिट, यहां पे लिखेंगे अमाउंट। पार्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल 1,000 यूनिट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आज द डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने 1,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया, उसका रेट क्या है, तो 6 रुपीज के रेट से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट ऑफ 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। टू एडिशनल मटेरियल उन्होंने कहा, एडिशनल मटेरियल कितना आपको, 5,200। टू एडिशनल रॉ मटेरियल 5,200, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि डायरेक्ट वेजेज 4,000, टू डायरेक्ट वेजेज 4,000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड ये भी आपका 4,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आपका जाएगा बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो नॉर्मल लॉस आपका 5% इनपुट है प्रोसेस फर्स्ट का, तो नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस फर्स्ट कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 1,000, 5% ऑफ 1,000 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। और इसकी प्राइस क्या है, 4 के रेट से बेचा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे 50 एट द रेट ऑफ 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। अब आप बता दें बाई प्रोसेस सेकंड, अब प्रोसेस सेकंड में कितना यूनिट गया, उसकी इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, 950 गया।
तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ 950, तो ये 950 की रेट क्या होगा? तो कॉस्ट पर यूनिट जो हम करते हैं उसकी कॉस्ट क्या होगा, ये सारे हम ऐड करेंगे तो कितना ऐड करेंगे, 6000 प्लस 5 इतना प्लस 4000 प्लस 4000 दिस माइनस यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 50 जो नॉर्मल लॉस होता है वो, तो आपका ये कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखिएगा 6000 प्लस 50 200 प्लस 4000 प्लस 4000 ये 19200 हो गया, 19200 माइनस 200 डिवाइडेड 950, तो ये आपको हो जाएगा 19000 डिवाइडेड बाई 950, ये आपको माइनस 200 डिवाइड 950 हम करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ 20 हो गया इंटू 950 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19000 हो जाएगा यहाँ, तो ये आप माइनस करेंगे या ऐड करेंगे 19200 हो गया, यहाँ पे आपको 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 19200 हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया, आपका ये प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब हम उसी तरह प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट हमारा बन गया और ये हमारे पास 19200 और ये एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। अब आपको बनाइए कौन सा प्रोसेस अकाउंट सेकंड, प्रोसेस अकाउंट सेकंड कैसे बनेगा, देखिए आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर यूनिट्स, यहां पे अमाउंट, पार्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, अब देखिए टू प्रोसेस फर्स्ट, यहां पे 950, 950 का क्या था 19000 था, तो अब एडिशनल रॉ मटेरियल, एडिशनल रॉ मटेरियल कितना उसने इंट्रोड्यूस किया, तो सेकेंड प्रोसेस में 3960 है और वेजेज और प्रोडक्शन ओवरहेड आपको 6600, 3960 टू डायरेक्ट वेजेस, वेजेस यहां पे 6000 है, टू प्रोडक्शन ओवरहेड अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड भी 6000 ही होगा बाई नॉर्मल लॉस हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल लॉस की क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेकेंड में नॉर्मल लॉस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको 10%, नॉर्मल लॉस 10%,
तो नॉर्मल लॉस 10% कितना होगा? नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस सेकंड 10% ऑफ 950, दैट इक्वल टू 95। अब आपका आउटपुट कितना है? यहां पे 840 है, 840 है। एक्चुअल लॉस इन प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस सेकंड में एक्चुअल लॉस कितनी है? 950 माइनस 840 कितना हो जाएगा? 950 माइनस 840 तो ये हो गया 110। अब सुनिएगा, 110 इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच के डिफरेंस एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस प्लीज देखिए, एक्चुअल लॉस 110 है जबकि हमारे पास हमारे क्वेश्चन के अनुसार 950 है, तो कितना हो जाएगा ये? माइनस 95 करेंगे तो 15 हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। अब आप देखिए यहां पर बाय नॉर्मल लॉस 95 बाय एबनॉर्मल लॉस 15 बाय प्रोसेस थर्ड 840। अब इसकी जो रेट है वो क्या है? नॉर्मल लॉस का जो रेट है सेकेंड में 8 रुपीज की रेट है, 8 रुपीज की रेट है। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एट द रेट ऑफ रुपीज 8। तो 95 इंटू 8 हमारे पास हो जाएगा ये 760 हो जाएगा, 760। अब यहां निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट, तो 19000 प्लस 3960 प्लस 6000 प्लस 6000 ये सबको ऐड करेंगे माइनस 760 होल डिवाइडेड बाय 950 माइनस 95। अब आपका कितना हो जाएगा? 19000 प्लस 3960 प्लस 12000 34960 माइनस 760 होल डिवाइडेड बाय 950 माइनस 95 855। अब सुनिए 34200 यहां पे होगा 855। 40 रुपीज पर यूनिट, तो यहां पे लिखेंगे एट द रेट ऑफ 40 एट द रेट ऑफ 40 तो ये हो जाएगा 600 840 इंटू 40 33600 33600 33600 प्लस 600 प्लस 760 34960 तो यहां पर हो जाएगा 34960। ये टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 950 हो जाएगा, 950 34960 यहाँ पे 3960 हो जाएगा। ये आपका प्रोसेस अकाउंट सेकंड बन गया। अब चेक कीजिए आपका प्रोसेस अकाउंट सेकंड
960, ठीक है ना। अब आप चलिए यहाँ पे, अब कौन सा प्रोसेस अकाउंट बनेगा? अब प्रोसेस अकाउंट थॉट, प्रोसेस अकाउंट थॉट, अब देखिए यहां पे होगा पार्टिकुलर, यहां पे होगा यूनिट, यहां पे होगा अमाउंट, यहां पे पार्टिकुलर यूनिट अमाउंट। अब सुनिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, टू प्रोसेस अकाउंट सेकंड। हमारे पास प्रोसेस अकाउंट सेकंड से कितना यूनिट आया है? 9500, 950, 1900, ये हो जाएगा 19000। टू एडिशनल रॉ मटेरियल, एडिशनल रॉ मटेरियल हमारे पास कितनी है तीसरे प्रोसेस में? यहां पे 5924, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टू डायरेक्ट वेजेस, टू प्रोडक्शन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास कितनी है? 8000, यहां पे 8000, यहां पे 8000। अब देखिए, ठीक है ना, अब हमारे पास क्या जाता है? बाय नॉर्मल लॉस। अब देखते हैं नॉर्मल लॉस के बारे में। यहां पे प्रोसेस सेकंड के केस में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अब ये वाला हम आपको मिटाते हैं, अब सुन हमारे पास यहां पे आउटपुट कितनी है? 7, आपको 9750 है, 750। तो आपका लॉस कितना हो गया? लॉस हमने 840 दिया था, 750 आउटपुट आया, तो कितना हो गया? 840 माइनस 750, 90 एक्चुअल लॉस हुआ। एक्चुअल लॉस इतना हो गया। नॉर्मल लॉस कितनी है? जितनी हमने किया उसका 15%, उसका 15%। तो इसका मतलब 15% ऑफ 840, तो 840 इंटू 0.15 126 हो गया, 126 हो गया नॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब आपको, आपने सोचा था 126 हुआ, लेकिन एक्चुअल में लॉस तो इतना ही हुआ, तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस कम हुआ, तो एबनॉर्मल गेन हो गया। तो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन हो गया। 126 होना चाहिए था, सिर्फ 90 हुआ, तो कितना होगा? माइनस 90, तो ये हो जाएगा 36 एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, 36, क्योंकि हमने 8 लॉस तो इतना ही हुआ,
लेकिन इन फॉर्म हमने एस्टिमेट किया था 15% लॉस होने का, लेकिन हुआ इतना ही तो हमारे गेन हो गया, ठीक है ना, जो डिफरेंस होता है वो गेन हो जाता है। अब आ जाइए हम नॉर्मल लॉस, हमने कितना निकाला था, नॉर्मल लॉस 126 और प्राइस 10 था, 126 एट द रेट ऑफ 10, तो 1260 बाय फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कितना का रेट था हमारे पास, कितना 750, यहाँ पे 750 यूनिट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 750 टू एबनॉर्मल गेन 36। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, तो 19,000 प्लस 5920 प्लस 8,000 प्लस 8,000, ये टोटल माइनस नॉर्मल लॉस वाला माइनस करते हैं 1260 होल डिवाइडेड बाय 950 माइनस 126, 19,000 प्लस 5920 प्लस 16,000 40,000 920 माइनस 1260 होल डिवाइडेड बाय 1260, तो ये आपका हो जाएगा 39660 डिवाइडेड बाय, अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 950 माइनस 126 824, यहाँ पे गलत मैंने किया है, यहाँ पे 33600 आया, ये मिस्टेक है बेटा, अब देखिए क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 840 का 33600 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 840 हो जाएगा और 840 के बाद 33600 हो जाएगा, 33600, अब आपको 33600 प्लस 5920 प्लस 8,000 प्लस 8,000, अब कितना हो जाएगा 33600 प्लस 5920 प्लस 16,000,
तो ये हो जाएगा 55,520 माइनस 1260 54260 डिवाइड 824 तो 65 तो 60520 तो ये अप्रोक्स हो जाएगा 66 66। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 750 इंटू एट द रेट ऑफ 66 इंटू 66 49 प्लस 1260 50760 यहाँ पे आपको टोटल कितना हो जाएगा 876 और यहाँ पे रेट लगेगा कितना 66 तो 36 इंटू 66 2376 2376 59200 वंस मोर इसको देखते हैं सेवेंटी सिक्स कैसे आ रहा है 750 33600 यहाँ देखिए 33600 प्लस 5924 प्लस 8000 प्लस 8000 माइनस 1260 होल डिवाइडेड बाय 840 माइनस 126 यहाँ पे 840 माइनस ये आपको कितना होगा 840 होगा 840 होगा देखिए छोटी छोटी मिस्टेक मैंने किया 840 माइनस 126 714 तो यहाँ पे होगा 714 54 इंटू 260 डिवाइडेड बाई 714 तो 75 तो ये 76 हो जाएगा। तो ये आप 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गलत हो गया तो 76 इंटू 750 57000 हो जाएगा यहाँ पे 57000 76 इंटू 36 2736 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कितना हो जाएगा 57000 प्लस 1260 58260 यहाँ पे 58260। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।